श्री राम, जय श्री राम। से भाई और मैं इस टाइम फिलहाल खड़ा हूँ लता मंगेशकर चौक पर, और समय हो चुका है रात्रि के 9 बज चुके हैं। और पूरी जानकारी देंगे हम इधर रात में क्या क्या चीजें सजाई जा रही है, कहाँ पे काम चल रहा है, और पूरे ब्लॉक में लास्ट तक बने रहे। जय श्री राम। देखिए यहाँ के पीपल का पेड़ है, कितनी सुंदर तरीके से सजा के से लाइटें लगाई गई हैं और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब इतना, और ये मैं आपको रात का व्यू दिखा रहा हूँ लता मंगेशकर चौक का। देखिए गिटार यहाँ पे कितनी सुंदर तरीके से सजाई गई, पास पास में गुलदस्ते रखे हुए हैं और यहाँ पे सभी लोग फोटो शूट कर रहे हैं। लता मंगेशकर चौक को देखिए, यहाँ पे गमले रखे हुए एकदम पास में, कितनी सुंदर तरीके से हरे हरे गमले रखे हुए हैं ये, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है लता मंगेशकर चौक को। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसी के उपलब्ध यहाँ पे काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया राम मंदिर को। आपको रात का व्यू दिखा रहा हूँ मैं, पूरी वीडियो में रास्ते तक बने रहे और सब दिखाऊंगा मैं आपको क्या क्या हो रहा है अयोध्या राम जन्मभूमि पर, रात में कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य रुका हुआ है, कैसे सजाया जा रहा है राम जन्मभूमि को। और काफ़ी भीड़ लगी हुई है इस टाइम, रात्रि के 9 बज चुके हैं रात के, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। देखिए आप कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है अयोध्या राम जन्मभूमि को, पूरी दिखाऊंगा पूरी वीडियो रास्ते तक बने रहे। और काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो शूट कर रहे हैं, देखिए कितनी वीडियो शूट कर रहे हैं सब लोग। चलो आपको एक चीज़ नहीं दिखाता हूँ, हमने हमारे देश में एक से नए से नया कलाकार है, और कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे पेंटिंग की गई दिखाता हूँ आपको। देखिए रेत से बनाए गए राम और मोदी जी योगी जी बनाए गए, ले चलते हैं आपको उधर की ओर। कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे पेंटिंग की गई, देखिए आप देख रहे हो राम जी बनाए गए हैं, उधर बजरंग बली बनाए हैं, और योगी जी और उधर साइड में मोदी जी बनाए हैं, और राम मंदिर का पूरा नक्शा बनाया गया। देखिए आप कितनी सुंदर तरीके से ये सब रेस से बनाया गया है पेंट रेस। और इस सामने आप देख रहे हो धर्मपथ मार्ग है, ये सूर्य स्तंभ लगा है, 20 सूर्य स्तंभ लगे हुए, कितनी सुंदर तरीके से सजाए गए हैं ये, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में आप देखिए। और सूर्य स्तंभ पे जो लिखो जय श्री राम, आपको ले चलता हूँ उधर की ओर। यहाँ पे पुलिस कार्यालय ऑफिस बनाया गया है 112 नंबर, हमारी और आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध रहती है ये 112 नंबर। देखिए आप काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखभाल करी जा रही, सुरक्षा की भी सब चीज़ की यहाँ पे सुविधा है। अयोध्या राम जन्मभूमि पर आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, हमारी सेवा में 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, 112 नंबर पर कॉल करें। ये आप सूर्य स्तंभ देख रहे हो, 20 सूर्य स्तंभ है ये धर्मपथ मार्ग पर, आपको दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर तरीके सजाया गया है। और धर्मपथ के मार्ग में एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे लाइटें लगाई गई, देखिए कितनी सुंदर तरीके लाइट लगाई गई है, ले चलता हूँ आपको लाइटों की ओर। देखिए सामने बहुत ही सुंदर तरीके सजाया गया है धर्मपथ मार्ग को भी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है अयोध्या में रात में आकर, ऐसा लग रहा है कि हम कहीं स्वर्ग में आ चुके हैं इस टाइम अयोध्या को इस तरह सजाया गया है। अयोध्या राम जन्मभूमि को 22 जनवरी को उद्घाटन है राम मंदिर का, उसी को उपलब्ध में बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। देखिए आप इस टाइम लता मंगेशकर चौक के आपको अपडेट दे रहा हूँ मैं, रात की समय हो चुका है, रात के 10 बज चुके हैं, सभी लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं राम धर्मपथ मार्ग पर, आप देख रहे हो सब घूम रहे हैं रात्रि के समय में भी, कोई फोटो शूट करा रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई राम का नाम ले रहा है, जय जयकार हो रही है अयोध्या में राम जन्मभूमि राम के नाम की। और पूरा पल्ट में यानी कि अयोध्या राम जन्मभूमि में रात्रि में निकला हुआ हूँ वीडियो शूट करने के लिए, अयोध्या कैसी लगती है अयोध्या रात्रि में। और रास्ते में मुझे यहाँ पे भैया मिले, कुछ गुड़ बांट रहे हैं, मुजफ्फरनगर से आए हैं और यहाँ पे गुड़ बांट रहे हैं, भैया दिखाता हूँ देखिए आपको, जय श्री राम। यहाँ पे अयोध्या में गुड़ बांटा जा रहा है, ये जो आप सामने ट्रक देख रहे हो मुजफ्फरनगर से आया है, और ये मिठाई बांटी जा रही है यहाँ पे राम प्रभु के आने की खुशी में, कितनी खुशी है देखिए यहाँ पे अयोध्या में मनाई जा रही है, मुजफ्फरनगर से आए हो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से भाई, और देखिए गुड़ बांट रहे हैं ये बहुत खुशी के साथ, जितने रोड सब जितने भी हाईवे पे चल रहे हैं सभी को गुड़ दे रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे गुड़ बांटा जा रहा है, बहुत ही खुशी मनाई जा रही है, जय श्री राम। कितना सुंदर लग रहा है रात्रि में धर्मपथ मार्ग के आपको दिखा रहा हूँ मैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। और उस सूर्य स्तंभ जो है ये 20 सूर्य स्तंभ जो है एकदम लता मंगेशकर चौक के पास, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, आप देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि दिन रात में ही दिन निकल गया है कि देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग और धर्मपथ मार्ग को, फूलों से सजाया जा रहा है। देखिए आप ये आप जहाँ तक देखो वहाँ तक फूल ही फूल लगे हुए हैं ये, और रात्रि में कार्य चल रहा है, अब समय हो चुका है 10:30 बज चुके हैं, आप देख रहे हो काफ़ी तेजी से कार्य चल रहा है रामपथ मार्ग पर आ चुका हूँ स्टाम में फिलहाल, और बहुत ही सुंदर तरीके से कार्य करा जा रहा है, फूल लगाए जा रहे हैं, हरी हरी पत्ती लगाई जा रही है, ये जहाँ तक आप देख सकते हो वहीं तक सब दूर तक फूल दिखाई देंगे आपको। देखिए सुंदर तरीके से सजा गया है, अभी भी कार्य चल रहा है। जय श्री राम भैया, क्या नाम है आपका? नाम धनी राम है। जय राम। ये जो फूल आए कहाँ से आए हैं फूल? ये कलकत्ता से आए हैं। कितने फूल आए हैं कलकत्ता से? 2000 कुंटल आए हैं। 2000 कुंटल फूल आए हैं ये, इस टाइम रामपथ मार्ग को सजाया जा रहा है, देख रहा हूँ फूलों से ही, और फूलों की मालाएं बना बना के सजाई जा रही है। देखिए आप
जहाँ तक कैमरा जा रहा है वहाँ तक फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को। रात्रि में भी कार्य चल रहा है, देखिए राम जन्मभूमि पे राम प्रभु के आने की खुशी में कितनी सुंदर तरीके से रामपथ मार्ग को सजाया जा रहा है, देखिए आप। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, यहाँ पे फूल सजाए गए हैं और अभी सजाने का काम चल रहा है। रात्रि में पूरी रात काम चलेगा, ये सुबह तक कंप्लीट करना है पूरा मार्ग ये, क्योंकि 22 जनवरी में राम मंदिर को उद्घाटन होगी, उस पर रात में काम चल रहा है, देख रहे हो आप। काफ़ी तेजी से कार्य चल रहा है और फूलों की माला बना बना के सजाया जा रहा है फूल इस मार्ग को, पूरे मार्ग को रात में कंप्लीट हो जाएगा पूरा मार्ग ये। जय श्री राम लिखना ना भूले कमेंट बॉक्स में। और देख अयोध्या लग रही जैसे कि स्वर्ग में आ चुके हो आप, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा गया अयोध्या को राम प्रभु के आने की खुशी में। कि कितनी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है, लाइटों से सजाया जा रहा है। तुलसी जी का ये पार्क है यहाँ पे, तब आप राम जन्मभूमि मंदिर पर जाओगे तो कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है इस पार्क को, देखिए आप। लाइटों से सजाया गया है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं यहाँ पे, देखिए कितनी गुलदस्ते लगाए गए हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है इस पार्क को भी, देखिए आप। और रात में 11 बजे यहाँ पर रामायण चल रही, देखिए आप। अयोध्या में सभी यात्री जो आए हुए हैं बाहर से, कुछ ही लोग ये यहाँ पर रामायण देखने बैठ के, ओस पड़ रही है, ठंड हो रही है, और फिर भी राम जी की भक्ति में ऐसा भी है। और श्री राम, और इस टाइम हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के पास का, आपको यदि दिखा दे रात को कितनी सुंदर लग रही है, दुकानें सजी हुई, लाइटें लग रही यहाँ पे, सभी पे एक ही कलर किया गया है इस लगे से, कितनी सुंदर लग रही है आप देख रहे हो। और देखे यहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है दुकानों के गेट के आगे, और झंडा बना हुआ है भगवा कलर का, और यहाँ पे शंख बना हुआ है, और ये यहाँ पे वो बना हुआ है भाला और ओम बना हुआ है, कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे पेंटिंग की गई है इन चीज़ों की। और आपको दिखा रहा हूँ सभी दुकानों का सेम ही डिज़ाइन है और सेम ही कलर है इस रोड के पास एकदम हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में, सब दुकानें जो दिखा रहा हूँ आपको, ये रात्रि का व्यू दिखा रहा हूँ, बहुत सुंदर लग रही है अयोध्या रामनगरी। जय श्री राम लिखते रहे कमेंट बॉक्स में, जहाँ से आप भी देख रहे हो वीडियो, बताते रहे कहाँ से देख रहे हैं आप। ये जो आप फूल देख रहे हैं रामपथ मार्ग को सजाने के लिए लाए गए हैं गेंदे के फूल, देखिए फूलों की माला है ये, कितनी सुंदर तरीके से सजाया जाएगा रामपथ मार्ग को। देखिए ये इधर पीले फूल हैं, ये भी गेंदे के फूल हैं, इधर हरी कुछ पत्ती हैं, और इधर गेंदे के फूल हैं, गेंदे की माला है, ये सब रामपथ मार्ग को सजाया जा रहा है। आप देख सकते हो समझे कितने फूलों से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को, कितनी लेवल लग रही है सजाने के लिए, रात में ही काम चल रहा है, रात्रि में भी। जय श्री राम, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को, जय श्री राम। ठीक है, यहाँ पे मालाएं बनाई जा रही है, ये रामपथ मार्ग को सजाया जा रहा है फूलों से, गेंदे के फूल है ये, आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा पूरा मार्ग, 21 तारीख तक कंप्लीट। काफी तेजी से कार्य चल रहा है, रात में ही काम करेंगे, 2 शिफ्ट में काम चल रहा है। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? लवकुश, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। जी, देख रामपथ मार्ग को सजा रहे हैं फूले से, क्या है कि फूले गेंदे के फूल हैं, कितने तरह के? 127 तरह के फूल आए हुए हैं यहाँ पे रामपथ मार्ग को सजाने के लिए। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसी के ऊपर यहाँ पे कार्य चल रहा है, और भाई साहब बता रहे हैं ये गेंदे के फूल है, इन भाई साहब ने बोला 127 तरीके के फूल आए हैं रामपथ को सजाने के लिए। देखिए इधर रात्रि में कार्य चल रहा है काफी तेजी से, और काफी जोरों से काम चल रहा है रामपथ को सजाने के लिए। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसी के प्रथम कार्य चल रहा है, रात्रि में भी काम कर रहे हैं, देखिए आप पीछे मेरे, ये भाई साहब सीढ़ी से काम कर रहे हैं, पीछे मालाएं लगा रहे हैं, गेंदे के फूलों से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को। देखिए कितने कार्य कर रहे हैं, काफी ज्यादा लेबर लगाई गई है यहाँ पे, जितनी जल्दी कार्य हो जाए इसलिए लेबर लगा रखी है, ज्यादा रात में ही काम कर रहे हैं ये, 21 जनवरी तक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा बता रहे हैं भाई साहब, हमने बात करी थी। जैसे भी आप राम मंदिर दर्शन करने जाओगे पहले स्टार्टिंग में आपको सुग्रीव का किला मिलेगा, देखिए यहाँ पे अभी यहाँ पे थोड़ा कार्य चल रहा है, अभी इधर की प्याली नहीं बनी है, और इधर देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को, काफ़ी जोरों से काम चल रहा है, देखिए मालाएं हैं ये गेंदे के फूल की। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए और दूसरी गाड़ी आ चुकी है गेंदे के फूल की, ये सब फूल सजावट के लिए लाए गए हैं रामपथ मार्ग को सजाने के लिए, गुलदस्ते आए सजाने के लिए रामपथ मार्ग के लिए आए हैं सजाने के लिए। देखिए सुंदर तरीके से गुलदस्ते लाए गए हैं ये, और आप देख रहे हो, आपको छू के दिखाता हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में गुलदस्ते, ये सब रामपथ मार्ग में ही लगेंगे, ये अभी सजावट चल रही है यहाँ पे, रात्रि में काम कंप्लीट हो जाएगा कुछ भैया बोल रहे हैं। ये देखिए रात में सजाया जा रहा है रामपथ मार्ग को, काफी तेजी से कार्य चल रहा है आप देख रहे हो,
बहुत ही सुंदर तरीके से सजाएगा रामपत मार्ग को। जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, उसी उपलब्ध में रात दिन रात कार्य चल रहा है। देखिए अब गाड़ी भर के दूसरी जगह आ चुकी है, फूलों की गेंदे के फूलों की मालाएं हैं ये, इन्हीं मालाओं से रामपत मार्ग को सजाया जा रहा है। देखिए कितनी फूल गाड़ी भरी हुई है, ये सब गेंदे के फूल हैं, इन फूलों से रामपत मार्ग को सजाया जाएगा और काफ़ी सुंदर तरीके से सजाया गया है रामपत मार्ग को, आप देख रहे हो सुंदर तरीके से। और ये मैं आपको यहाँ पर रात का व्यू दिखा रहा हूँ, हनुमान गढ़ी मंदिर जाने के लिए मार्ग है, काफ़ी सुंदर मार्ग बनाया गया, देखिए काफ़ी चौड़ा हो चुका है पहले छोटा मार्ग था। और यहाँ पे एक चीज़ देख रहा हूँ, आप सभी दुकानों पर सेम ही कलर किए गए हैं और ऊपर घर पे भी सेम कलर किए गए हैं और सेम ही डिज़ाइन किए गए हैं सभी को, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। देखिए हनुमान गढ़ी मंदिर के दर्शन कर रहे हो सामने से आप, जय श्री राम लिखना ना बोले कमेंट बॉक्स में, जय जय श्री राम लिखते रहे। तो सो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना, चैनल पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। और मैंने पूरा शायद पूरा ये यानी कि पूरा धर्मपत मार्ग और रामपत मार्ग को कंप्लीट कर लिया अपनी वीडियो में जितना मुझसे हो सका, बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जा रहा है अयोध्या को। और मैं रात्रि में निकला था घूमने के लिए कि कैसे कैसे नज़ारे हैं रात के, यानी कि कैमरे में अपने कैप्चर कर लूँ, और काफ़ी लोग मिले मुझे अच्छे अच्छे और काफ़ी जगह मैं घूमा और बहुत अच्छा लग रहा था घूम के मुझे अयोध्या में, ऐसा लग रहा था जैसे कहीं कहीं नई जगह नहीं नई स्वर्ग में आ चुका हूँ मैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर से भी, तो काफ़ी अच्छी जगह है तो अयोध्या आप जरूर घूमने आना 22 जनवरी के बाद ही आना, कि फिलहाल आपको किसी यहीं पर कहीं ना रूम मिलेगा ना होटल फुल मिलेंगे आपको, सब क्या रहेगा फ़ायदा आपको, मंदिर के दर्शन भी नहीं हो पाएंगे आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय जय। और ये कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है अयोध्या को, रंगीन लाइटें लगाई गई हैं और झल्लर लगाई गई हैं, लीची लगाई गई हैं, राम प्रभु का नाम लिखा गया है, जय श्री राम, जय जय श्री राम लिखा हुआ है। कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है अयोध्या धाम मार्ग को, देखिए आप ये भी अयोध्या राम पथ मार्ग आपको दिखा रहा हूँ मैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है ये देखिए। और ये भाई यात्री जा रहे हैं काफ़ी, यात्री कितनी भीड़ है ये आपको अपडेट दे रहा हूँ मैं 20 जनवरी की,